जी सुप्रभात दोस्तों, आज है 7वां दिन मेरा। आज मैं रुकूंगा नारकंडा में, नहीं रामपुर। मेरा दोस्त है, उसको मेरे को पिक करने गाड़ी से, मेरी वाली अल्ट्रा से। उसके बाद अपन निकल जाएंगे रामपुर। तो आज कुछ खास नहीं है दिन में, नारकंडा है और रामपुर होगा बस। तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाइस। तो जी, आज हमारा नारकंडा से आउट है। ये हमारे दो भालू हैं, ये भालू है, ये सूजी है। सूजी के बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, घूम रहे हैं, बता रहे हैं वो गाँव गए हुए हैं। और नारकंडा को कहने का समय आ गया, टाटा ते बाय शाय। तो जी, दोबारा मैं शायद होली के करीब आने वाला हूँ यहाँ पे नारकंडा अगेन, कह नहीं सकता, बट हाँ प्लान तो है फिलहाल। तो अगर किसी को कोई इनमें से कोई भी अगर आपको ट्रिप करना है माउंट एवरेस्ट से लेके काजा स्पीति स्नेल श्रीखंड चितकुल, कांटेक्ट करो, मुझसे कर लेना, नहीं तो मैं डिटेल्स में अविनाश भैया का नंबर भी छोड़ दूंगा। गो फॉर इट भाई, अमेजिंग एक्सपीरियंस। बाकी क्यू एन ए तो आने वाला है ही है, लास्ट वीडियो होगा वो, तो बने रहो। चले फिर दीक्षित भाई, वो वाला कर दो एक बार। कैसे कर ये? चलो भाई, टाटा ते बाय शाय, चलते हैं। तो जी, ऑल्टो इज बैक एंड भैया सुबह गाड़ी लेके ही आ गए थे सुबह के। हाँ, तो दोपहर हो रही है, मैंने पूछा लंच कर लें, भैया ने बोला लंच कुछ नहीं करना, लंच घर जाके करेंगे उनके, या फिर रास्ते में कहीं पे पकड़ लेंगे। तो अपन चलते हैं, गाड़ी हो गई ऑन, मीटर अब ऑन हुआ है। ठंड है भाई यहाँ पे ना, जितना भी बुरा हाल है, जो भी मानो जब मानो गाड़ी हिल जाती है। तो 734 किलोमीटर अब तक मैं हम लोग चला चुके हैं, यहाँ से अब शुरू करते हैं। ठीक है जी, मुझे ग्रुप दिखा है भाई, ये BMW या तो BMW का ही ट्रैवलिंग ग्रुप है, राजस्थान का है यार, सारा का सारा ना राजस्थान के है यार, मैक्सिमम MH राजस्थान। तो जी, मैं रामपुर पहुँचने में मुझे है अभी आधा घंटा नहीं, 20 मिनट है यार। वहाँ से कहीं से आया हूँ मैं, वो देख रहे हो, उस एरिया से कहीं से आया हूँ, बताओ, पहाड़ से। तो भैया ने बोला कि चलो एक प्लेट मोमोज पेल दें, यहाँ पे बेस्ट मोमोज दिखा रहे हैं सक्षम ढाबा, करते हैं ट्राई। तो जी, भैया ने एक जगह गाड़ी रुकवाई है व्यू के लिए, देखें व्यू कैसा है। सुसाइड पॉइंट जैसा नहीं है, टेंशन ना लो, लेकिन है। ओ भाई साहब, हम वहां से आ रहे हैं भाई साहब। वो ये जो सामने, अच्छा वो जो पूरा ग्रीन है, ओ के मैच भी लगे भाई साहब। इसमें तो तीनों मिल रहे हैं, ऊपर व्हाइट, बीच में ब्लैक सा हो गया, नीचे ग्रीन हो गया प्योर पानी के साथ। अच्छा, वो देखो पानी का कलर चेंज हो रहा है, पीछे से पानी छोड़ा गया है, अब डिफरेंस दिखेगा, पूरा कलर चेंज हो गया यार। गाँव है भाई, ये घर अभी है यार, काम चल रहा है। तो जी, गांव है कसंद करके नरमुंड के पास, ये भैया का घर है, अभी काम चल रहा है और घर दिखाता हूँ यार।
ये होगी एंट्री, यहाँ पर शूज वूज रख दो, कुछ और रखना है जैसे स्टोरेज स्टोरेज, ये वॉशरूम वॉश बेसिन मिरर, ऐसी किचन है और यहाँ खाना खाने के लिए अपना ये छोटा सा बेडरूम है, बैठक नाइस, और एक ये रूम और है जो भैया का और हमारा मतलब अपन सोच रहे हैं वो ये है कि ये जो आपको रोड़ियाँ दिख रही है ना इस जगह पे उस फेसिंग उस तरफ फेस करके कॉटेज तो या फिर अपना एक आउट हाउस काउंड छोटा सा पेप्सी। तो हम लोग इसे पूछ रहे थे और अब नदी के किनारे जा रहे हैं, गाड़ी भी आराम से आ सकती है, ऐसा नहीं गर्मी नहीं आ सकती। ये सबसे साफ पानी है सतलुज रिवर में, सतलुज है कुरपन खड्डा है, कौन सी खुरखुर कुरपन कुरपन नदी आ सतलुज से रही है तो सतलुज में तो मिल रही है अच्छा हाँ हाँ साफ कितना है ये जब इसमें टेस्ट हुआ ना तो जी धीमे धीमे बिल्कुल नदी के बगल में आ गए हम लोग। बड़ी सही सी जगह लग रही है, आइसोलेटेड है एकदम ना, मतलब खाली ना इंसान ना कोई चेंचे में नहीं है। मेन नदी उधर हो गई है, इधर डाइवर्जन है हल्का फुल्का ताकि मतलब अपना एंजॉय भी कर लो, कोई भसड़ ना हो। तो जी मैं आज रामपुर के गांव है वहीं घूम रहा हूँ भैया के साथ। मेरे एक सर्कल में हुआ करते थे जब मैं घूमता था काफ़ी, घूमता तो अभी भी हूँ बट कसौल जाया करता था, तो वहाँ के एक भैया थे और उन्होंने कहा था कभी मुझसे कि कभी गांव आना, तो मैंने कहा चलो आज उनके गांव चलते हैं। तो ये जो आप सरसों का खेत देन धान और वो एंड तक देख रहे हो उन्हीं के खेत हैं, तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे एक घर बनाएं और आगे अपना व्यू हो, बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैंने भी ये बोला, मैंने कहा नहीं यार खेत मत ख़राब करो, कहीं और देख लो जगह भले ही। तो इनके घर के बाहर ही एक कॉटेज बनाने की सोच रहे हैं, लेट्स सी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, गांव तो सब नहीं देखे होते ज़्यादातर, परंतु फिर भी ये बड़ा मतलब पहाड़ों के गांव अलग ही होते हैं ना। सामने आप देख रहे हो घर हैं वो बकायदा पूरे पहाड़ पे ना, घर ही घर घर ही घर, और ऐसे ही उनको लग रहा होगा कि हमारे भी यहाँ पे मतलब घर वगैरह है। नाइस। तो जी दोस्तों आज के लिए यहीं दिन ख़त्म करते हैं, और अक्षा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, कल एक लास्ट वीडियो आएगा अपना जो कि नवे दिन का होगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। हाँ बोलू।